अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सरफराज आलम और आप देख रहे हैं इस्लामिक जिक्र। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो दो नाम और दो कलाम बताने वाले हैं, ये सुबह उठते ही आपको ले लेना है और शाम तक आपके पास इंशाल्लाह बहुत सारी दौलतें हो जाएगी। और कैसे ये वजीफ़ा करना और कैसे दौलत आएगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। नाज़रीन, हमें बहुत भाई और बहुत बहन लोग कमेंट कर बताते हैं कि सरफराज भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। तो मैं ऐसे भाइयों और ऐसे बहनों के लिए दुआ तो करता ही हूँ कि अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनके तमाम नेक मकासिद को पूरा फरमाए। आमिन सुम्मा आमिन। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वजीफे के ज़रिए भी हासिल कर लिया जाता, इसीलिए कभी भी किसी भी वक्त किसी भी वजीफे की आपको ज़रूरत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गुर्बती की वजह से, यानी गरीबी की वजह से, जिसके बना पर वो अपने दोस्तों से या अपने अकारीब से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं। बाज़ ऐसे मुसलमान भाई हैं जो सूद पर भी पैसा ले लेते हैं। नाज़रीन, जाने कि सूद लेना और देना दोनों हराम है, कभी भी आप ऐसा कदम ना उठाएं। लाख मजबूरी अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा। लेकिन वजीफ़ा करेंगे तो आपके पास बहुत सारी दौलतें आ जाएगी, जो गुर्बती है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी, घर में बरकत नहीं होती। बाज़ ऐसे बहने हैं जो बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखी हैं लेकिन अदा नहीं कर पाती, या भाई भी हैं जो अदा नहीं कर पाते कर्ज को, जिसके बना पर वो हर लम्हा हर घड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी से अपनी ज़िंदगी गुजारने ते रहते हैं, और वो हमेशा इसी उम्मीद से रहते हैं कि कहीं से ना कहीं से हमें दौलत आ जाए जिससे मैं अपने कर्ज की अदायगी कर दूं। नाज़रीन, आज के इस वजीफे से आपके पास बहुत सारी दौलतें आएगी, बहुत ज़्यादा आप इंशाल्लाह मालदार बन जाएंगे। सुबह उठते ही फौरन आपको दो नाम दो कलाम ले लेना है, उसके बाद क्या होगा मैं आपको बता दूँ। कैसे वजीफा करना है वो मैं आपको बता दूँ। सुबह उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़ के बाद आपको शुरू और आखिर में 51 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो आप नमाज में पढ़ा करते हो वो आपको याद ही होगा। उसके बाद आपको अल्लाह का पहले ये दो नाम ले लेना, उसके बाद कलाम ले लेना दो, वो कौन है मैं आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रज़ाको या गनियो, या गनियो या रज़ाको, या रज़ाको या गनियो, इसको लेना आपको। आपको नाज़िन कम अज़ कम 501 मरतबा लेना है अल्लाह के ये दो नाम को। उसके बाद फिर आपको दुरूद शरीफ 51 दफ़ा पढ़ना है, फिर अल्लाह का कलाम यानी कुरानी आयत को पढ़ना है 1001 मरतबा। कौन सा वो मैं आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन आतीना कल कौसर फसकल रब्बी का वन अगर इन नशानिया का हुल अबतर। नाज़िन, इसको पढ़ना है 1001 मरतबा, फिर आपको 51 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़िन, फिर दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है, फिर से आप सुन ले, पहले आपको अल्लाह का नाम लेना है, फिर आपको सूरह कौसर पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआ के लिए हाथ उठाएं, और जब ये वजीफ़ा करे तो दिल में पहले ही से नीयत रखे दौलत के लिए, और आप अल्लाह से दौलत के लिए दुआ मांगे, कर्ज की अदायगी के लिए दुआ मांगे। नाज़रीन, अल्लाह इतना जल्द और इतनी बरकत के साथ और इतनी इज्जत और हलाल रिस्क आपको अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी ज़िंदगी को इस तरह बदल देगा ये वजीफ़ा कि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी और पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो जाएगी कि ये शख्स फला शख्स क्या करता है जो इतनी तरक्की पर जा रहा है। हाँ नाज़रीन, ये वजीफ़ा एक दो दिन तक नहीं बल्कि आपको लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक नहीं तो कम अज़ कम 17 दिन तो आपको करना होगा। 17 दिन के अंदर में आप इंशाल्लाह इतनी दौलतमंद, इतने इज्जतदार और इतने कामयाब इंसान बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नाज़रीन, आप इस वजीफे को अमल में ज़रूर लाएं। हाँ नाज़रीन, हमारी सोच और इस्लामिक जिक्र की सोच ये है कि तमाम मुसलमान भाई और बहन नमाज के पाबंद बने, तो आप भी नमाज़ पढ़ें और नमाज़ की दावत दें। अगर आपके एक हिदायत से कोई नमाज़ पढ़ना शुरू करता है तो आप भी इस नेकी में शामिल हो जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारी बात आपको अच्छी लगी हो कमेंट कर बताएं। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा दें
ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।